नमस्कार नमस्कार। हेलो हाय नमस्कार, मैं निहारिका राजदत्त तांबे, ओमी प्रोडक्शन निर्मित और ओमी कला एकेडमी प्रस्तुत इस अनोखे टॉक शो में आपका स्वागत करती हूँ। आज तक आपने कई इंटरव्यूज देखे होंगे, सुने होंगे, कई मशहूर कलाकारों के इंटरव्यूज, एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, टेक्नीशियंस के इंटरव्यूज अलग अलग प्लेटफॉर्म पे देखे होंगे और सुने भी होंगे। लेकिन ओमी प्रोडक्शन और ओमी कला एकेडमी आपके सामने ऐसे कलाकारों को पेश करने वाला है जिन्होंने बड़ी शिद्दत से, बड़ी लगन से, मेहनत से इस इंडस्ट्री में नाम कमाया है, लेकिन उनकी दखल किसी ने नहीं ली, पर फिर भी वो हिम्मत जुटाए हुए अपना काम कर रहे हैं। ओमी प्रोडक्शन और ओमी कला एकेडमी इन्हीं कलाकारों की जर्नी, उनका स्ट्रगल आपके सामने पेश करने वाला है। आज के जो हमारे शो के मेहमान हैं, वो एक बड़े ही टैलेंटेड एक्टर है। मराठी और हिंदी ऐसे दोनों इंडस्ट्री में उन्होंने काम किया है, काम कर रहे हैं। क्राइम पेट्रोल जैसी मशहूर सीरियल में उन्होंने पुलिस इंस्पेक्टर का किरदार बड़ी बखूबी से निभाया है। इसी तरह कई हिंदी सीरियल्स, मराठी सीरियल्स में भी उन्होंने योगदान दिया है। तो चलिए आज के हमारे गेस्ट का स्वागत करते हैं। आज के हमारे गेस्ट है दिनेश जी रिकामे। नमस्कार दिनेश जी, हमारे इस शो में आपका स्वागत है। नमस्कार दिनेश जी, हमने कई बार ऐसे नोटिस किया है, फिर वो चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, म्यूजिक इंडस्ट्री हो, कॉर्पोरेट इंडस्ट्री हो या फिर पॉलिटिकल फील्ड, कोई ना कोई किसी का ना किसी का हाथ पकड़ के जरूर इस इंडस्ट्री में चले आता है। तो क्या वैसे आपका कोई गॉडफादर था? अगर नहीं तो आपने कैसे इस इंडस्ट्री में एंटर किया, कब किया और क्यों किया? नहीं नहीं, मेरा कोई गॉडफादर नहीं। जो आज के तारीख में मुझे मिलता है, अच्छी सलाह देता है, अच्छा काम देता है, वही मेरे लिए गॉडफादर है। हाँ, वैसे मेरे आदर्श बहुत बहुत सारे कलाकार हैं, जैसे कमलेश जी सावंत, सतीश नायकोड़ी, क्राइम पेट्रोल गुलशन जी पांडे, जगन्नाथ निवंगोड़े, बहुत सारे हैं। उन्होंने मुझे सही रास्ता दिखाया, दिखा रहे हैं, उनके साथ काम कर रहा हूँ। जिनको मैंने टीवी पे देखा उनके साथ काम कर रहा हूँ। बस मेरी हॉबी थी, करना था कुछ अलग। 96 में मुझे, जब मैं जवेरी बाजार में काम कर रहा था, तभी मुझे वहाँ एक प्रोड्यूसर आए थे, उनका ऑर्केस्ट्रा था धड़ा का नाम, तो ऐसे ही मैं गुनगुना रहा था तो उन्होंने सुना मुझे, तो कहे कि अरे तुझा आवाज़ खूब छान है, ऑर्केस्ट्रा काम करना था। मुझे थोड़ा मजाक लगा, मगर उन्होंने मुझे 96 में ब्रेक दिया। 7 फरवरी 96 गिरगांव के साहित्य संगम मंदिर में मुझे पहला ब्रेक मिला। उसके बाद ये सिलसिला चालू हुआ। कलाए तस्मिनम्मा ये मेरा पहला सीरियल मराठी। लक्ष्य ने मुझे मतलब पहचान दी, एक मेरी फैमिली है, वो घर घर में मैं पहुंच गया, लोग पहचानने लगे, स्ट्रगल रुक गया, आज भी स्ट्रगल चालू है, ऐसे नहीं। क्राइम पेट्रोल में मैंने 10 साल काम किया, कर रहा हूँ अभी भी, लोग पहचानते, अच्छा लगता है, बस और क्या। दिनेश जी, हर इंडस्ट्री में, हर फील्ड में कंपटीशन तो होता ही है, आपने भी महसूस किया होगा। काम करते वक्त आपको आए हुए हर अच्छे और बुरे एक्सपीरियंसेस के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? अच्छा और बुरा एक्सपीरियंस, अनुभव, मैडम अच्छाई से ज्यादा तो पहले तो अपने को बुराई का सामना करना पड़ता है। मेरा तो कोई गॉडफादर नहीं था इंडस्ट्री में, सब लोग नए थे मेरे लिए, कौन है, कहाँ से आया है, उसको क्या आता है, बस बुरा लगे या बुरा मतलब दिल हट हो जाए, ऐसे सब लोग मिलते थे, रोज सेट पे मिलते थे, ऑडिशन पे जाएगा तो वही स्ट्रगल है बहुत लाइफ में। लोगों को लगता है अभी कि सब इजी है, दिन में 10-12 फोन तो ऐसे आ जाते हैं कि सर मेरे लिए कुछ करो, कि बोलते हैं ना कि यार लकी है, लुक तेरा, लुक भी अच्छा है तेरे लिए, तेरा लक भी अच्छा है, लेकिन बोलने वाले ये नहीं सोचते कि भाई इसके पीछे इसका स्ट्रगल कितना है। 96 थे अभी 2020,
मतलब सफर देख लीजिए, आज लोग घर घर में जानते हैं, पहचानते हैं, अच्छा लगता है, ये अच्छा अनुभव है। लेकिन बुरा अनुभव मतलब अभी बोलने जैसा भी नहीं है, ऐसा बुरा अनुभव है लाइफ में, हर जगह पे होता है। कोई भी इंडस्ट्री में चले जाइए आप, अरे इंसान के क्या बोलते हैं, नसीब में अच्छाई के साथ बुराई होती ही होती है, लेकिन हमें अपने ऊपर भरोसा रखना है, अच्छा लेना है बुरा लेना है, बस अच्छा करते जाओ, अच्छे लोग मिलते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, अच्छा ही होगा। अच्छी सोच रखो और क्या। जैसे आप अपने सपने लेकर, अपना टैलेंट लेकर इस इंडस्ट्री में आए, वैसे ही ये जनरेशन, ये यूथ अपना टैलेंट लेकर इस इंडस्ट्री में आना चाहता है, उन्हें आप क्या सलाह दोगे? मैडम अभी नए जनरेशन को मैं क्या सलाह दूँ, मैं भी कुछ सीख रहा हूँ, इतना तो बड़ा हूँ नहीं कि किसी को मैं सलाह दूँ। हाँ लेकिन इतना मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा अनुभव है, कि ये कहना चाहूँगा कि समय के साथ चलो, हर एक को आप आदर दो, इज्जत दो, अगर इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी, हार नहीं माननी है, जो करना है ठान लिया है वो करके दिखाना है बस, और एटीट्यूड नहीं आना चाहिए, जमीन पे रहना चाहिए, कितना भी बड़ा काम मिले अच्छा मिले, हाँ अपने काम के साथ एटीट्यूड रखो, काम ही काम देता है, टाइम के साथ जरूर चलना। आप बोलोगे 10 बजे आना है, आप बोलोगे 10:30 बजे 11 बजे पहुंच जाऊंगा, नहीं 10 बजे आना है तो 9:45 बजे पहुंच जाओ, सामने वाले को भी अच्छा लगता है कि भाई बंदे भी कुछ है दम, कुछ करेगा आगे, सीखेगा, बस सीखना है, मैं भी सीख रहा हूं, हिम्मत नहीं हारनी है, डिप्रेशन में नहीं चला जाना है। आजकल लोग जल्दी नर्वस हो जाते हैं कुछ बोलते तो, हमें भी कभी कभी डायरेक्टर चिल्लाते हैं, समझ में नहीं आता है कि क्या उनको चाहिए, कैसा एक्ट करना है, कोई ज्यादा काम किया हुआ उसको ईगो रहता है, तो डरना नहीं है, बस अपना काम करते रहना है, काम करते रहो, लाइफ में सक्सेस है। कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ठहर सी गई, कईयों की रोजी रोटी भी रुक गई, पर फिर भी कई कलाकार अपने हॉबीज जैसे सिंगिंग, डांसिंग, स्केचिंग और कुकिंग, इन सब हॉबीज को बढ़ावा देते हुए नजर आए, तो कई कलाकार निराश भी थे। वैसे ही आपने अपना लॉकडाउन का वक्त कैसे बिताया? लॉकडाउन में क्या किया, तो ऐसा है मैडम, शूटिंग चलती थी, टाइम नहीं दे पा रहा था फैमिली को, अभी टाइम दे रहा हूँ, घर पे बैठा हूँ, हर एक लोगों के साथ कांटेक्ट कर रहा हूँ, कुछ नया करने की कोशिश कर रहा हूँ, करना है उसके दिमाग में डाल रहा हूँ जो भी है। हाँ मैंने 3 शॉर्ट फिल्म्स लिखी है, मराठी जो फिल्म कर रहा हूँ मैं एज ए प्रोड्यूस, SR प्रोडक्शन मेरा है, उस प्रोडक्शन से मैं एक फिल्म कर रहा हूँ, उस फिल्म का प्री प्रोडक्शन का काम चल रहा है, उसके बाद वो कास्टिंग का काम चलेगा, अभी देख रहे हैं कि लॉकडाउन कभी खुलेगा, बस बच्चों लोग के साथ एंजॉय कर रहा हूँ, घर पे फैमिली के साथ एंजॉय कर रहा हूँ, दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे मजाक कर रहा हूँ, मस्ती कर रहा हूँ। हाँ लॉकडाउन में जिनको एक्चुअली ज़रूरत है, जिन लोगों को, जिन कलाकारों को, उनको हेल्प भी कर रहा हूँ, हेल्प मांग रहा हूँ दोस्तों से, बस स्टे होम स्टे सेफ ये कर रहा हूं। जैसे कि हम देख रहे हैं, लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से पूरा माहौल टेंस हो चुका है। आप हमारे दर्शकों को या फिर कलाकारों को क्या सलाह दोगे? मैडम मैं इतना कहना चाहूंगा कि सरकार ने जो नियम दिए हैं उसके पालन करो, घर में रहो, बिना वजह रास्ते पे मत घूमो, काम के सिवा बाहर मत निकलो, मुंह में मास्क लगा दो, 20 सेकेंड हाथ धो लो, गर्म पानी पी लो, बस इतने कहना चाहता हूँ और क्या। धन्यवाद दिनेश जी हमारे शो पर आकर हमसे बातचीत करने के लिए, हमारे दर्शकों के साथ अपने एक्सपीरियंस से शेयर करने के लिए, उनको अपना वैल्यूएबल सजेशन देने के लिए।
मुझे उम्मीद है कि आप आगे भी हमारे शो पर आते रहेंगे। थैंक्स मैडम, और थैंक्स मैं ओमी प्रोडक्शन को कहना चाहता हूँ जिन्होंने आज मुझे यहाँ बुला के मान सम्मान दिया, मेरी इंटरव्यू ली। तेली साहब को मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ, आपकी पूरी टीम को थैंक्स कहना चाहता हूँ कि ऐसे ही कलाकारों का स्ट्रगल, उनका सक्सेस दुनिया के सामने आप लाइए। अच्छा लगता है कोई हमारा इंटरव्यू लेता है या हमारे स्ट्रगल के बारे में पूछता है। आप अच्छा काम कर रहे हो, ऐसे आप काम करते रहिए। मेरी तरफ से आप सभी को, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। ओमी प्रोडक्शन और ओमी कला एकेडमी ऐसे ही टैलेंटेड कलाकारों को इसी इंटरव्यू के जरिए आपके सामने पेश करते रहेंगे, उनसे बातचीत करते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ।